नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार हॉलिक 14 में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और यहां पे आप ह्यूंडई क्रेटा को देख सकते हैं। और अभी हाल ही में क्रेटा ने जो है एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, 550 व्हीकल पर डे और 1 लाख व्हीकल जो है 6 मंथ के अंदर जो है सेल हुई है। तो अभी जो आप अपने सामने वेरियंट देख रहे हैं, ये पेट्रोल का EX वेरियंट है जो कि आपका सेकेंड बेस वेरियंट होने वाला है। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे तगड़े फीचर्स जो है आपको मिल जाते हैं। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे धनबाद तो 14,05,000 है, और एक्स शोरूम की बात करेंगे तो 12,21 जो है ये कॉस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके चाबी से और उसके बाद जो हम लोग चलते हैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में। तो चाबी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चाबी मिल जाती है, रिमोट वाली, लॉक अनलॉक का बटन, इसको अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो बूट जो वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको फ्लिप की जो है मिल जाएगी कुछ इस तरीके की, और बेसिकली इसके अंदर जो है आपको 2 चाबियां जो है वो मिल जाती है। इस साइड जो आपको ह्यूंडई का लोगो वो भी दिया गया है। तो चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल को आप लोग चेक कर लीजिए। तो DRL जो है इसमें छोटा वाला DRL जो है वो दिया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कनेक्टिंग फॉर्म के अंदर नहीं आता है, यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना इंडिकेटर जो कि बल्ब के साथ में है, और इसके अंदर आपको हेलोजन के अंदर जो है पूरा हेडलैम्प का सेटअप वो दिया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्टर बेस जो है वो रहने वाला है। फॉग लैम्प जो वो किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है। यहाँ पे अपना एयर कर्टन जो है उसको चेक कर सकते हैं जो कि टायर को कूल डाउन करता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको स्किड प्लेट जो है वो मिल जाएगा जो कि फाइबर फिनिशिंग के साथ में आता है। तो यहाँ पे DRL मिसिंग है, बट यहाँ पे आपको ब्लैक क्रोम का ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाता है, ह्यूंडई का लोगो वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऊपर में देखेंगे तो अपने विंडशील्ड पे वाइपर का जो माउंटिंग है वो देख सकते हैं। ठीक है, विदाउट सनरूफ वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आपको सनरूफ ही नहीं मिलता है। अगर साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो जो फेंडर है वहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग जो है वो मिल जाती है। टायर साइज जो है इसमें थोड़ा सा छोटा मिलने वाला है, इसमें आपको MRF के वंडरर टायर जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप प्रोफाइल की बात करेंगे तो 205/65/16 नंबर का जो है रिम साइज दिया गया है व्हील कैप के साथ में, जो कि जेन्युइन ह्यूंडई का रहने वाला है। उसके अलावा इसमें आपको चारों पहियों में जो है डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाता है, अपना ORVM चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ऑटो फोल्ड अनफोल्ड नहीं होता है, बट ग्लास जो वो इंटरनली आप एडजस्ट कर पाएंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बट रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। अब अगर इस साइड से देखेंगे तो जो व्हील बेस है वहाँ पे आपको क्लैडिंग वगैरह जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा अगर बैक प्रोफाइल देखेंगे तो पीछे भी जो है आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग जो वो मिल जाती है, जो कि आपका रूफ टॉप रहने वाला और पीछे का जो सी पिलर वाला एरिया है वहाँ पे। ठीक है, अब साइड में देखेंगे तो व्हील आर्च पे क्लैडिंग वो आपको दिख जाएगी। पीछे आ जाए तो अपना टेल लैम्प जो है उसको आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का टेल लैम्प जो है वो मिल जाता है। बट ये जो है पूरा कनेक्टेड रहने वाला है। ठीक है, ये पूरा ग्लोइंग पार्ट रहने वाला है। यहाँ पे अपना इंडिकेटर उसको चेक कर सकते हैं। रिवर्स लैम्प जो है वो सिंगल कर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है, उसको भी आप देख लीजिए। पीछे जो है अपना स्किड प्लेट उसको भी चेक कर लीजिए, फाइबर फिनिशिंग के साथ में आता है। और यहाँ पे आप सिंगल फ्रेम के अंदर जो है पूरा बैक प्रोफाइल जो वो चेक कर सकते हैं। ह्यूंडई का लोगो वो आपको दिख जाएगा, क्रेटा की बैजिंग उसको चेक कर सकते हैं। इसका जो पीछे का विंडशील्ड है वो नॉर्मल रखा गया है, यहाँ पे आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता, बट हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो वो जरूर मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड स्पॉयलर बॉडी के साथ में, अपना शार्क पिन एंटीना जो है उसको भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस साइड आ जाए तो यहाँ पे अपना फ्यूल फिलर कैप उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल वाला वेरिएंट है। पीछे जो है पार्किंग सेंसर्स वगैरह वो मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरह का व्यू जो है पूरा इधर आपको मिलने वाला है। अपना को ड्राइवर साइड एरिया जो है उसको भी आप यहाँ से पूरा क्लोजली देख सकते हैं। इधर भी फेंडर पे जो है आपको इंडिकेटर वगैरह वो मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर को अगर देखेंगे तो इंटीरियर भी जो है हालांकि है तो सेकंड बेस, बट काफ़ी सारे फीचर्स जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करते के साथ जो है यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं। डुअल टोन के अंदर जो इसका इंटीरियर रखा गया है, जबकि सेकंड बेस वेरिएंट है, उसके बावजूद भी इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो कंपनी ऑफर कर देती है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो रहने वाला है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, उसके अलावा जो ORVM के ग्लास है उनको आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों। अपना लॉक लीवर, बॉटल होल्डर की प्लेसिंग, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे सीट है ये आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना रिक्लाइन हाइट वगैरह सब कुछ एडजस्ट हो जाता है इसके अंदर। 3 पैडल्स जो है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ESP का बटन जो है वो दिया गया है, बट क्रूज कंट्रोल जो है इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जरूर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो डोर को जो है हम लोग बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर जो है वो बंद हो चुका है।
कुछ इस तरीके की MID जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है, सेंटर में Hyundai का लोगो, और यहाँ से जो है ना आप वॉल्यूम अप डाउन कमांड वगैरह दे सकते हैं, ट्रैक वगैरह जो है वो चेंज कर पाएंगे। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट, मतलब बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक जो है आपको स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटर भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपको फिजिकल की जो है वो लगा के गाड़ी को ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक्सेसरीज मोड पे मैंने डाल दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने वाइपर्स के सारे कंट्रोल जो है वो आपको दिख जाते हैं। उसके अलावा इस साइड अपना देखेंगे लाइट का कंट्रोल, तो एक बार जो हम लोग और ऑन करेंगे तो इसकी MID जो है वो आप देख पाएंगे यहाँ से। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है ना आप कोई भी अपना की वगैरह जो है, अब मैं दिखा देता हूँ, कोई भी मेटल का पार्ट वगैरह ना यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपना AC वेंट उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है पूरा कनेक्टेड स्टाइल के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे जो आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन देख रहे हैं इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन, AM/FM, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टेड फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो है MID का पार्ट है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि पूरा कंप्लीट डिजिटल फॉर्म के अंदर रहने वाला। इसके अंदर जो है आपको मैनुअल AC मिलता है, तो AC का सारा कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं, 2 AC वेंट्स, हैजार्ड लैंप का स्विच, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ये पैटर्न भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा AC वेंट को भी देख सकते हैं, एयरबैग की इम्पोजिंग जो वो मिल जाती है, अपना IRVM उसको देख लीजिए जो कि मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। सनग्लास होल्डर जो है इसके अंदर आपको मिल जाता है, 2 लैंप्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, जो कि हेलोजन के साथ में आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना अपना ग्रैब हैंडल उसको चेक कर सकते हैं, बेसिक वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो नहीं मिलती है। यहाँ पे लाइट का पोजीशन जो है वो चेक कर सकते हैं। फैब्रिक फिनिशिंग के साथ में पूरा जो है सीट वगैरह दिया गया है, ग्लव बॉक्स उसको भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये जो है कूल्ड नहीं है, तो ये भी जो है ना आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी हो सकता है अगर आपका बजट कम है तो। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है, यहाँ पे फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस, 12V का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, टाइप सी वाला पोर्ट, अपना हैंड ब्रेक जो है वो चेक कर सकते हैं, आर्मरेस्ट जो है वो चेक कर लीजिए। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करेंगे तो एडजस्टमेंट जो है वाओ, इसके अंदर जो है ना आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, जबकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है, तो काफी अच्छा जो है यहाँ पे Hyundai ने काम किया है इस बार। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसके सेकंड रो को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो फाइनली अपना सेकंड रो जो है वो भी आप देख सकते हैं, रिक्लाइन एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा है इसका, उसको भी आप देख लीजिए, तो काफ़ी कंफर्ट जोन जो है वो पीछे रहने वाला है। हेडरेस्ट वगैरह जो एडजस्टेबल है, यहाँ पे अपना सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, 2 AC वेंट, फास्ट चार्जिंग जो इसके अंदर मिल जाता है टाइप सी वाला, उसके अलावा स्पीकर की प्लेसिंग जो है दोनों डोर्स पे दिख जाएगी, पावर विंडो का कंट्रोल वो भी आप चेक कर सकते हैं, अपना लॉक लीवर वगैरह जो है, पार्शियल ट्रे जो है यहाँ पे मिसिंग है इसके अंदर, बेसिक वेरिएंट है तो कुछ ना कुछ तो कंपनी उस हिसाब से तो मेंटेन करेगी ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो दिया गया है, बट ये बाहर नहीं आ रहा है। और चलिए हम चलते हैं इसके बूट में, तो बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो ज़रूर मिल जाता है, और इसका जो लोडिंग लिप है वो एकदम फ्लैट है, 0 लोडिंग लिप के साथ में आती है Hyundai Creta। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको अगर उठाते हैं तो अपना स्पेयर व्हील जो है वो चेक कर सकते हैं, MRF के वंडरर टायर दिए गए हैं, 205/65/16 सेम साइज़ का है स्टील रिम के साथ में, और अपना सीट वगैरह जो 60/40 रेशियो में आप स्प्लिट भी जो है उसको कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए, डाउन करने के लिए दिया गया है, तो चलिए पीछे का मामला जो है वो क्लियर हो चुका है। और अब जो है हम लोग चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में, इसके अंदर जो है आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो है कंपनी ऑफर करती है, और डीजल का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, 114 या 115 PS का पावर जो है इसके अंदर आपको मिलता है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है वो भी चेक कर लीजिए, इंजन कंपार्टमेंट भी जो मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो फाइनली इसका इंजन कंपार्टमेंट जो वो चेक कर सकते हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, एग्जैक्ट पावर स्पेसिफिकेशंस वगैरह के अपने डिस्प्ले पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा बोनेट पे जो है आपको इंसुलेशन का वर्क वो मिल जाता है, बोनेट का जो वेट है वो पहले से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको शोरूम पे ही आना पड़ेगा, तभी जो है आप एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं, एक बार ओवरऑल व्यू जो है पूरा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बोनेट को हम लोग डाउन कर देते हैं, तो इंजन कंपार्टमेंट जो है वो आपने चेक कर लिया होगा। अब हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि इसके अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स वगैरह जो है वो क्या क्या जो है Hyundai ऑफर करती है। तो सेफ्टी के अंदर जो है इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट, ABS, EBD, ESP,
ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर, आइसोफिक्स माउंट वगैरह भी जो है कंपनी ऑफर कर देती है। तो सेफ्टी के अंदर जो है काफ़ी सारे जो है सेफ्टी फीचर्स जो है वो बढ़े भी हैं, और इसकी जो मेटल सीट है वो भी पहले से ज़्यादा हैवी हो चुकी है, और हाई स्ट्रेंथ मेटल का जो है इस बार बहुत कहीं कहीं जो है आपको यूज़ वगैरह इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इसका जो ओवरऑल रिव्यू था वो आपको पसंद आया होगा। प्राइस जो है वो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो ऑन रोड प्राइस है मेरे सिटी धनबाद के अंदर वो 14,05,000 रुपये है, और जो एक्सोरूम है वो 12,21,000 रुपये है। तो अगर आप वीडियो को धनबाद से देख रहे हैं तो आप लिवरा हुंडई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके बुकिंग वगैरह के लिए, टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए। बाकी बात जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले वगैरह पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। थैंक यू।